मेरा नाम है प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं वेलकम लाइव चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो पे मैं बात करूंगा कि बहुत से ड्राइवर ये सोचते हैं कि हम पेट्रोल पंप से जो है तेल डलवा के भाग जाएंगे, फ्रॉड हो जाएंगे और हमारा जो है कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ऐसा बहुत केस हुए हैं पेट्रोल पंप पे, तो मैंने बहुत ऐसे केस देखे हैं अपनी लाइफ में, बहुत से ड्राइवर भी ऐसे देखे हैं। ज़्यादा मेरी एज नहीं, लेकिन इतना कुछ मैंने जो है देख लिया और सोच समझ के मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, एक भी चीज़ मिस मत करना इस वीडियो की। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में घंटी को जरूर दबा दें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें इसी तरह, और आप इन वीडियो का जो है लाभ उठाते रहें। तो आज की एक वीडियो में एक आदमी के ऊपर, एक ड्राइवर के ऊपर मैं जो है इस बात को दोहराता हूँ, जो भी उसने किया था उसकी सज़ा उसको कैसे मिली, तो सुनिए। नंबर एक पे बात करते हैं यहाँ पे कि एक ड्राइवर था जिसने कि तेल डलवाया और उसके बाद उस गाड़ी को लेके फ्रॉड हो गया, भाग गया। देखिए, ऐसा अगर आप करते हैं तो पंप पे जो है सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं, वो उस गाड़ी के नंबर, ड्राइवर, सभी चीज़ें उसमें दिख जाती है, कोई भी चीज़ उससे नहीं छिप पाती है, सभी चीज़ों का पता चल जाता है कि हाँ इस ड्राइवर ने ये किया और ये गाड़ी नंबर थी। और अब तो ऐसी एप्लीकेशन या ऐप चल रहे हैं, अगर जो नंबर डाल दिया तो उस गाड़ी का जो भी मालिक है सभी चीज़ें उसमें पता चल जाती है। लेकिन ऐसे कोई पैसे नहीं देता है कि हाँ भाई मेरे पैसे दीजिए, यहाँ से गाड़ी तेल डलवा के गई है, तो इतनी जल्दी पैसे नहीं दे पाते हैं और ना भी देते हैं, क्योंकि ड्राइवर तो कल नौकरी छोड़ते हैं, मालिक तो गाड़ियाँ नहीं छोड़ता है, तो वो ड्राइवर की गलती मानेगा मालिक, न कि अपनी गाड़ी की या फिर अपने ट्रांसपोर्ट की। तो इस बात को आप मानते हैं। अब मान लीजिए वो लेकर भाग गया, लेकिन जिस दिन भी वो हाथ में आ जाता है तो उससे दुगने पैसे लिए जाते हैं और उसकी पिटाई इतनी बुरी की जाती है कि वो सोच भी नहीं सकता। ये मेरे आंखों देखे हाल है कि उस बंदे ने पहले पैसे दिए, फिर उसके साथ धोखा होता है वहाँ पे, कि जो पंप वाले होते हैं कुछ बढ़िया होते हैं, कुछ ख़राब भी होते हैं, ऐसा थोड़ी सभी एक सार या एक तरीके के होते हैं। तो उसके साथ क्या हुआ कि उसको दोबारा पकड़ लिया गाड़ी को, और दोबारा पकड़ने के बाद उस पर जो है नकली पर्ची, जस्ट दो मिनट पहले की पर्ची उसके सामने ला के पेश कर दी कि ये पर्ची है और इस टाइम का आपने जो है पेमेंट नहीं किया और आप गाड़ी लेके फ्रॉड हो गए थे। मैंने उस पर्ची को देखा तो मैं तो समझ गया कि भाई ये तो नकली पर्ची है। तो फिर उसमें हम भी कुछ नहीं कर सकते, किसी की मदद भी आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें खुद उसने इतनी बड़ी गलती कर रखी है जिसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती। देखिए, अगर आप 20-30 हज़ार रुपये का तेल डलवाते हैं, मान लीजिए अगर कल आपके ऊपर केस हो जाता है या फिर कोई ऐसी, आप फ्री का पैसा कमा के कुछ अमीर नहीं बन पाओगे, ये तो मैं आपको बता देता हूँ। हमेशा मेहनत कीजिए, मेहनत से पैसा कमाइए, कभी भी ऐसे चोरी वाली निगाहों से काम मत कीजिए जिससे आपको बाद में दुख पाना पड़े और आपको एक मोटी रकम वहाँ से देनी पड़े। तो आज की इस वीडियो में आपको यही देने, दिखाने या सोचने या समझाने वाला हूँ कि कभी भी अपनी गाड़ी को अगर तेल डलवाते हो तो उसके पैसे दीजिए, वहाँ से क्लियर हिसाब करे बिना आप वहाँ से मत जाइए। अक्सर नए ड्राइवर ये सोचते हैं कि हम जो है 10-20-50 पंप वालों के बचा कर यहाँ से फ्रॉड हो जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता मेरे भाई। तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको थोड़ा सा नॉलेज मिला है, वीडियो अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों के साथ। तो चलो दोस्तों, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।